हे दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं क्रोम ब्राउजर की। आखिर क्रोम ब्राउजर इतना फैला हुआ है, सभी स्मार्टफोन में पाया जाता है, लेकिन सब लोग नहीं जानते हैं क्रोम ब्राउजर के इस डार्क साइड के बारे में। तो मैं बताने जा रहा हूँ, क्रोम ब्राउजर की सबसे बड़ी कमी यह है कि क्रोम ब्राउजर आपको ट्रैक करता है। कहने का मतलब, आप क्या सर्च करते हैं, क्या देखते हैं, हर चीज़ वो क्रोम ब्राउजर यानी गूगल देख रहा है और आपको उसी हिसाब से ट्रैक करके उसी हिसाब से आपको एडवर्टाइजमेंट वो दिखाता है, जो काफ़ी भर भर के क्रोम ब्राउजर में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में उन्हीं पांच ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उन्हीं पांच ब्राउजिंग ऐप्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर, प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले, फास्ट और बहुत सारे फीचर्स के साथ आते हैं, जिनमें जो भैया बड़े आराम से आप बेफिक्र होकर शॉपिंग, पेमेंट वगैरह कर सकते हैं और अपना हर अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए चलते हैं सीधे मुद्दे पर। ये दोस्तों नंबर पांच से स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है टोर ब्राउजर। ये बहुत ज्यादा सिक्योर, यहाँ पे देख सकते हैं होम स्क्रीन आ गया है, जो डिफॉल्ट सर्च इंजन मिल रहा है आपको DuckDuckGo, जो काफी सेफेस्ट है। और यहाँ पे तीन ऑप्शन देखने को मिल रहा है भैया, स्टैंडर्ड, सेफर एंड सेफेस्ट। स्टार्ट ब्राउजिंग, उसके बाद जो आप कुछ भी सर्च कीजिए, एकदम प्राइवेटली, सिक्योरली, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल सेफ। चलते हैं नेक्स्ट ब्राउजर की तरफ। दोस्तों नंबर चार की बात करते हैं, जिसका नाम है पूमा ब्राउजर। बहुत ही ज्यादा सिक्योर है, इसमें पहले से आपको DuckDuckGo सर्च इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसे आप सेटिंग में जाकर गूगल या बिंग या फिर किसी भी एडजस्ट कर सकते हैं, किसी भी शिफ्ट हो सकते हैं। प्राइवेट ब्राउजिंग के लेके एक अलग सेक्शन दिया गया, जिसे आप मैनेज कर सकते हैं अपने हिसाब से, ओके। और इस ब्राउजर को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यहाँ दिया गया है कस्टमाइज का ऑप्शन। इस वाले एप्लीकेशन में आपको एडवांस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यानी कि इसमें आप जो है एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं, यानी कि एडिशनल फीचर्स भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कुछ दिखा दूं मैं यहाँ पे, बहुत सारे एक्सटेंशन दिए गए हैं। तो ये रहा पूमा ब्राउजर। दोस्तों अगला ब्राउजर है और सबसे सिक्योर ब्राउजर है मेरे हिसाब से, DuckDuckGo। अब DuckDuckGo सर्च इंजन एक ऐसा है जिसमें आपको वो ट्रैक नहीं कर सकता, जैसे कि गूगल ट्रैक करता है आपको, टारगेटिंग एडवर्टाइजमेंट दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन DuckDuckGo सबसे ज्यादा सिक्योर माना जाता है सर्च इंजन में। तो DuckDuckGo मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा सिक्योर ब्राउजर। चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों अगला ब्राउजर है एलोहा ब्राउजर, यानी नंबर दो पारता है, जिसमें आपको मिल जाता है इनबिल्ट VPN, जैसे मैंने जो है इनेबल कर दिया है, आप देख सकते हैं VPN हमारा चालू हो गया है। और ये ब्राउजर क्रॉस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, यानी कि आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं और इसे अपने PC में भी यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों अगले ब्राउजर का नाम है टिंटा ब्राउजर। इसमें तीन चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पे आप जो कंट्रोल मेन्यू में चलते हैं तो आप देख सकते हैं VPN ब्राउजर, इसे हम चालू करते हैं और VPN हमारा ऑन हो जाएगा। ब्लॉक एड्स जो है, एड्स को आप ब्लॉक कर सकते हैं। उसके बाद डू नॉट ट्रैक यहाँ पर आ गया है ऑप्शन, इसको भी इनेबल कर देते हैं। बाकी सब आप सेम ब्राउजर में देखते हैं, वही चीजें मिल जाती है आपको। तीन फीचर्स काफी अच्छे लगे टेंटर ब्राउजर में, इसमें भी आपको इनबिल्ट VPN देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा है। दोस्तों ये पांचों एप्लीकेशन आपको कैसे लगे, आपको सबसे अच्छा ऐप कौन लगा और सबसे बेकार ऐप इनमें से कौन लगा, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास कोई सवाल है या फिर हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप भी वो कमेंट बॉक्स में बेहिचक ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि मेहनत लगता है यार आपके लिए वीडियो बनाने में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको गेम्स और एप्लीकेशन के रिव्यू मिलते हैं और साथ साथ में कुछ ट्रेंडिंग गेम्स और एप्लीकेशन के भी न्यूज मिलते हैं, जो काफ़ी सरल लैंग्वेज में यहाँ समझाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, साइनिंग आउट।